हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेडी बियर होल्डिंग बैलून थीम डेकोरेशन कैसे करना है। तो इससे पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम डबल स्टफ बैलून को तैयार करते हैं। तो डबल स्टफ बैलून बनाने के लिए मैंने डीप ब्लू और बेबी ब्लू बैलून को लिया हुआ है। तो इस तरह से सारे बैलून को तैयार कर लें और उसके बाद उनको डिफरेंट साइजेस में फुला लें। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इस 12 इंच बैलून को छोटा फुला रहे हैं तो उसको पूरी तरह से स्ट्रेच मत कीजिए। अगर आप छोटा फुला रहे हैं तो उसे आप छोटा ही फुलाइए। अगर आप उसे बड़ा फुला देंगे फिर छोटा फुलाएंगे तो बहुत ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं 12 इंच को चार साइजेस में फुलाया है। तो चलिए इसे आपस में बांधते हैं। तो ये रहा डुप्लेट। तो इसी तरह स्टेप रिपीट करके आप एक और बनाइए। तो इस तरह से आपका ये क्वाड बन जाएगा। तो सेम स्टेप रिपीट करना है और एक और आपको क्वाड बनाना है। तो ये देखिए दो क्वाड बन गया। इन दोनों को अटैच करना है एक दूसरे से तो आपका क्लस्टर बन जाएगा। तो इन दोनों को अटैच करने के लिए या तो आप इसको नेक से पकड़ के एक दूसरे से बांध दीजिए और नहीं तो इस तरह से क्रॉस ओवर करके आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो सेम स्टेप रिपीट करके आपको एक और क्लस्टर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो क्लस्टर बनाए हुए हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करने के लिए मैंने लॉन्ग बैलून यूज़ किए हैं। अगर आपके पास लॉन्ग बैलून ना हो तो आप नायलॉन स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लॉन्ग बैलून को एक क्लस्टर से बांध दिया है। फिर मैं दूसरा क्लस्टर ऊपर रख के ऐसे लपेट रही हूँ कि एक दूसरे से जुड़ जाए। यहाँ मैं कोई रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ, आपको सिंपली ऐसे लपेटना है कि ये अच्छे से जुड़ा रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रिबन की हेल्प से इसे हैंग कर दिया है। तो यहाँ मैं 12 इंच बैलून को छोटे साइज में फुला के रैंडम स्पेसेस फिल किया है। साइड साइड में मैंने कुछ 12 इंच को मीडियम साइज बैलून फुला के फिल किया है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। मैंने कुछ छोटे क्लस्टर बना के उस पर टेडी बेयर को बैठा दिया है और कुछ रिबन लेके उसे ग्लू गन से यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।